शिवसेना यूबीटी के लीडर्स को फेक केस में फंसाने के दबाव डाला गया। फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का डीसीएम फडणवीस पर आरोप। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के पहले महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर एनसीपी एसपी लीडर अनिल देशमुख ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। अनिल देशमुख ने कहा कि एमवी सरकार के वक्त मुझे ईडी के केस से मुक्त कराने के बदले एमवी लीडर्स एनसीपी के अजीत पवार, शिवसेना के उद्धव और आदित्य ठाकरे के साथ अनिल परब को झूठे केस में फंसाना होगा। अनिल देशमुख ने कहा कि ये सब का सबूत मेरे पास है, जब सही वक्त आएगा मैं पेश करूंगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप गलत बताते हुए कहा कि हमारे लीडर्स गिरीश महाजन को झूठे आरोप में फंसाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर दबाव बनाया गया था। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।